प्रिय भाई और बहनों, एक बार और प्रभु ने ऐसा अद्भुत अवसर दिया कि हम सब एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु के वचन के सामने बैठकर प्रभु के वचन से कुछ बातें देख सकें। जीवन में इस तरह से जो भक्त लोग हैं उन लोगों के साथ बैठकर प्रभु के वचन को खोलकर वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या आज बोलना चाहते हैं इस विषय के ऊपर ध्यान करना जीवन में एक बहुत ही धन्य बात है। और आज मैं इस प्रार्थना के साथ खड़ा हुआ हूँ कि जो लोग प्रभु के इस वचन को सुन रहे हैं उनमें से हर व्यक्ति को प्रभु स्पर्श करे। आज के ध्यान के लिए बाइबल में मत्ती नामक जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय से मैं कुछ पद आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सुन लीजिए, बाद में घर जाके आप उसको पढ़ के चेक कर सकते हैं। पहले अध्याय के 18वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उनकी माँ मरियम की मंगली यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है या बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु को उनकी माँ मरियम की गोदी में बहुत सारे चित्र आप देखते हैं, खासकर जो लोग केरल में काम करते हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा प्रभु को उनकी माँ मरियम के हाथ में। जब हम उस चित्र को देखते हैं तो उसमें एक सुंदर सी कन्या और एक प्यारा सा बालक दिखाया गया है। मरियम का क्या चेहरा था, प्रभु यीशु का क्या था, यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन अपने आप में वो चित्र हमको एक बात याद दिलाता है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म लिया था, क्योंकि 6000 साल पहले अदन नामक वाटिका में, गार्डन में, मनुष्य ने प्रभु के साथ अपने आपसी संबंध को तोड़ दिया था। अपनी खुद की लापरवाही के कारण, प्रभु ने जो मना किया था उसको करने के कारण, तब प्रभु ने मनुष्य को ये प्रॉमिस किया था कि आने वाला मुक्तिदाता जो मनुष्य के रूप में जन्म लेगा उसके द्वारा मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। और इसलिए जब उस चित्र को देखते हैं, वो चित्र सही है या गलत है उसको छोड़िए, क्योंकि 2000 साल पहले जो लोग हुए थे उनको आज किसी भी कलाकार ने नहीं देखा है, लेकिन उस चित्र की जो भावना है वो हमें समझना चाहिए कि प्रभु ने इस संसार में मनुष्य के रूप में इसलिए जन्म लिया कि प्रभु आपको और मुझे एक नया जीवन देना चाहते थे, मुक्ति देना चाहते थे। आज सारा संसार जब प्रभु यीशु के आगमन को याद कर रहा है, वो लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि वो उनका रिवाज है, लेकिन मैं और आप इस संडे शाम को एक साथ एकत्रित होकर प्रभु को इसलिए स्मरण करना चाहते हैं क्योंकि प्रभु ने हम में से हर एक के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, परिवर्तन किया है। हाँ, आज इस सभा में यदि कोई भाई या बहन इस तरह का है जिसके जीवन में ये परिवर्तन नहीं हुआ है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे अच्छा अवसर क्या होगा जब हम सब एक साथ प्रभु यीशु को स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर प्रभु ने मुझे और आपको जो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम तोहफा, गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को स्वीकार कर ले। हर व्यक्ति गिफ्ट पसंद करता है, तो यदि मनुष्य को ईश्वर ने कोई गिफ्ट दिया है तो वो गिफ्ट हमारी सोच से, हमारी समझ से और हमारी ताकत से परे है, उसको जरूर ग्रहण करना है। इसके पीछे बैकग्राउंड है,
एक पृष्ठभूमि है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पृष्ठभूमि इस तरह से है, आज से 6000 साल पहले अदन की वाटिका में मनुष्य ने जानबूझकर लंघन करके पाप किया और इस तरह से मनुष्य पापी बन गया। मैं ये कह रहा था कि 6000 साल पहले मनुष्य ने जो पाप किया उसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य इस संसार में जो पैदा हो रहा है वो पाप के साथ पैदा, पाप स्वभाव के साथ पैदा हो रहा है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि मैं जो नहीं करना चाहता उसको करता हूं और जो करना चाहता हूं वो नहीं करता। क्यों? मेरे अंदर पाप का जो स्वभाव है। और ये बार मैं इस सभा में 50 बार याद दिला चुका हूं कि बच्चे को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता है, इसलिए कि उसमें पाप का स्वभाव है, वो अपने आप झूठ बोलता है। तो यदि मनुष्य में पाप का स्वभाव है और यदि प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो संभावना इस बात की है कि उनमें भी पाप का स्वभाव होगा। और यदि उनमें पाप का स्वभाव होगा तो एक पापी दूसरे पापी को कैसे बचा सकता है? जो गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है वो गड्ढे के अंदर पड़े दूसरे लोगों को उठाकर ऊपर कैसे पहुंचा सकता है? इसलिए प्रभु यीशु के लिए ये जरूरी था कि वे निष्पाप जन्म ले, बिना पाप के जन्म लें। और उसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु ने एक रास्ता खोला कि प्रभु यीशु का जन्म मनुष्य के रूप में एक स्त्री के द्वारा ही होगा, लेकिन पुरुष और स्त्री के संयोजन के बिना। हम में से हर व्यक्ति एक पुरुष और स्त्री के संबंध के द्वारा पैदा हुआ है। प्रभु यीशु के बारे में यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि मरियम यूसुफ से मंगनी हुई थी, लेकिन वो लोग एक दूसरे के पास आए इसके पहले ही मरियम गर्भवती हो गई। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु का जन्म मनुष्य के रूप में तो हुआ, लेकिन सामान्य जन्म नहीं, एक आश्चर्यजनक, एक अद्भुत जन्म हुआ। उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कारण भी परमेश्वर के वचन में बताया हुआ है। परमेश्वर वहां लिखा हुआ है कि यूसुफ उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। एक स्त्री गर्भवती होती है तो वो हमेशा एक पुरुष के द्वारा होती है, लेकिन प्रभु यीशु के मामले में परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि वहां बिना पुरुष के परमेश्वर के, प्रभु के पवित्र आत्मा ने उस स्त्री में इस तरह से अद्भुत कार्य किया कि प्रभु उनके गर्भ में आ गए। जो परमेश्वर सारी दुनिया की सृष्टि कर सकते हैं, एक क्षण में जब उन्होंने कहा कि संसार बन जाए तो संसार बन गया, और जब प्रभु ने कहा प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया, वो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु ने मरियम के ऊपर दृष्टि की, मरियम के ऊपर कृपा दृष्टि की, और प्रभु ने अपने आत्मा की सहायता से मरियम जो है उसके अंदर प्रभु यीशु को भेजा। आगे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि यूसुफ को यह बात पता चल गई। 19वें पद में हम देखते हैं उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। देखिए, एक स्त्री अपने पति से मिलने से पहले ही गर्भवती हो गई तो दूसरे लोग क्या समझेंगे? दूसरे लोग समझेंगे कि उसने कुछ गड़बड़ किया है, किसी और पुरुष के साथ गड़बड़ किया है। यहूदियों के नियम के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने शादीशुदा पति के अलावा किसी और पुरुष के द्वारा गर्भवती हो जाती है तो उसके लिए सिर्फ एक सजा थी, मृत्युदंड। बहुत कड़ी सजा है ना? हाँ, यहूदियों का तरीका अन्य लोगों के तरीके से बहुत अलग था, इसलिए कि जब साक्षात प्रभु ने यहूदियों को दर्शन देके, उनको लिखित वचन देके हर तरह से उनकी अगुवाई की, तो प्रभु उन लोगों से ये उम्मीद करते थे कि अन्य लोगों का जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड पर वो लोग जीवन बिताएंगे। जिसको ज्यादा जानकारी दी गई है, जिसको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है, उससे ज्यादा उम्मीद की जाती है। तो यहूदियों का तरीका था कि यदि कोई स्त्री इस तरह से गर्भवती हो जाती है उसको मृत्युदंड दिया जाए।
तो यूसुफ ने सोचा, बाइबल बताती है कि यूसुफ बड़ा धर्मी था, उसने सोचा अब यदि मैं दूसरों को बताऊं कि वो गर्भवती है तो उसको मार डालेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस कन्या के साथ इस तरह की कोई बात हो, इसलिए उसने सोचा कि चुपके से उसको छोड़ देगा, किसी और से शादी कर लेंगे। बड़ा धर्मी आदमी था। क्या हुआ, 20वें पद में हम देखते हैं, जब वह इन बातों के बारे में सोच रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ये बात याद दिलाना चाहता हूं मैं कि यहूदी लोग एक बार मंगनी हो जाती है तो उसको पत्नी ही मानते थे, लेकिन सिर्फ शादी के बाद वो लोग जनरली एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते थे, लेकिन शादी से पहले ही वो लोग चूंकि पति पत्नी मान लिए जाते थे तो इसलिए पत्नी के रूप में वो अपने घर लाना चाहता था तो अभी ला सकता था। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि हे यूसुफ, प्रभु ने कहा हे यूसुफ, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने में डरो मत, उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, वो एक पवित्र स्त्री है और उसने किसी और पुरुष के ऊपर नजर नहीं डाली है, बल्कि ईश्वर ने अद्भुत तरीके से उसको गर्भवती किया है। जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी। आगे, तुम उसका नाम यीशु रखना, हिंदी में यीशु, उर्दू में ईसा, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इस नाम का उच्चारण होता है। यहाँ केरल के लोग इसी नाम को यीशु बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी नाम आप कंफर्टेबल है आप उस नाम का उपयोग, उच्चारण का उपयोग कर सकते हैं। तुम उसका नाम यीशु रखना। क्यों रखना? क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से मुक्ति देंगे। बात समझ में आई क्या? आज से 6000 साल पहले हमारे बाप दादों ने, प्रभु ने उनको जो कुछ दिया था अपनी गलती से खो दिया। खोने के कारण मनुष्य पापी हो गया। मनुष्य पापी हो गया तो पाप की सजा तो उसको मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है कि पाप की सजा है मृत्यु, लेकिन प्रभु का वरदान है प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन, अनंत जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। ये कभी ना खत्म होने वाला जीवन मनुष्य को प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में इस दुनिया में पधारे, लेकिन मनुष्य के रूप में पधारते हैं तो एक कॉम्प्लिकेशन है, एक परेशानी है। परेशानी क्या है? स्त्री और पुरुष के मिलन से जो भी इस संसार में पैदा होता है वो पापी होता है। एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी का उद्धार नहीं कर सकता, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए प्रभु यीशु का मनुष्य के रूप में जन्म लेने के साथ साथ निष्पाप, बिना पाप के जन्म लेना जरूरी था। इस कारण प्रभु ने एक स्त्री को चुना, उस स्त्री के गर्भ में प्रभु यीशु को जो है जन्म दिया, गर्भवती किया, और यूसुफ को बताया कि उसके गर्भ में जो है वो प्रभु की तरफ से है, वो मुक्तिदाता है, उस मुक्तिदाता का नाम यीशु रखना, जो सब लोगों को उनके पापों से मुक्ति प्रदान करेंगे। आज ये जो भाग मैंने आपके सामने पढ़ा है उसके द्वारा दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है वो पापी है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया लेकिन जो पापी नहीं था, वह एकमात्र व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। पवित्र आत्मा ने सारे संसार की सृष्टि की, पवित्र आत्मा ने मरियम को गर्भवती बनाया। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर सृष्टा है, सृष्टि करता है। तो इस तरह से जब मरियम ने पवित्र आत्मा की अद्भुत शक्ति से मरियम जब गर्भवती हुई तो प्रभु एक मनुष्य के रूप में इस संसार में पधारे,
लेकिन प्रभु निष्पाप थे, उनके जीवन में किसी भी तरह का जन्म पाप नहीं था। और प्रभु ने 35.5 साल इस पृथ्वी पर जो जीवन बिताया उसमें ना तो मन से, ना अपनी बोली से, ना अपने कर्म से उन्होंने पाप किया। एक बार प्रभु यीशु ने लोगों को चैलेंज किया था कि तुम में से कौन है जो मेरे जीवन में कोई गलती या कोई पाप दिखा सकता है। सूली पर मेरे और आपके लिए अपना जीवन दिया, और इस तरह से अपना जीवन देकर प्रभु ने अपने बलिदान के द्वारा मेरी और आपकी रक्षा की। इसके बारे में प्रभु के वचन में 2-4 बातें और हैं जो मैं आज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 22वें पद में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा कहा था वह पूरा हो, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु के जन्म से 4,000 साल पहले परमेश्वर ने यह बात कही थी कि मुक्तिदाता को इस दुनिया में भेजेंगे। इन 4,000 सालों में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं और नबियों के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में, मतलब वो जो मुक्तिदाता पधारने वाले हैं, उनके बारे में 1,000 से ज्यादा बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताई थी। उसमें से सिर्फ एक बात यहां पर बताई गई है, कुंवारी के द्वारा जन्म लेंगे। उसके अलावा और भी बातें हैं, फलानी जगह पर जन्म लेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा जिएंगे, और इस तरह से उनकी मृत्यु होगी और वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। ये सब प्रभु के वचन में कहा गया है मेरे और आपके लिए। इसका पाठ क्या है? इसके द्वारा आज हम क्या समझते हैं? इसके द्वारा आज हम इस बात को समझते हैं, पहली बात कि मेरे और आपके समान इसी शरीर में प्रभु यीशु ने जन्म लिया लेकिन निष्पाप थे। निष्पाप क्यों जन्म लिया? इसलिए कि सिर्फ एक निष्पाप व्यक्ति, पाप से मुक्त व्यक्ति ही पापियों को उद्धार दे सकता है। प्रभु ने इस तरह से क्यों किया? क्या जरूरत थी उनको एक मनुष्य के रूप में जन्म लेने की? यह है जो अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं थी प्रभु को, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रभु का वचन ये बात याद दिलाता है कि अनादिकाल में ही सर्वज्ञानी प्रभु ने यह देखा कि फलानी जगह पर फलाना व्यक्ति पैदा होगा, उसका नाम फलाना होगा, मैं उस व्यक्ति को एक नया जीवन देना चाहता हूँ। मेरे बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा, ना केवल मेरे और आपके बारे में, इस दुनिया में जो करोड़ों अरबों लोग हैं, इन सब से प्रभु ने स्नेह किया। ये एक वन साइडेड, एक तरफा प्रेम है। ऐसा होता है क्या एक तरफा प्रेम? ओ यस, वन साइडेड प्रेम होता है। अलग अलग लोगों के जीवन में वन साइडेड प्रेम अलग अलग तरह का होता है। एक अच्छा सा मूर्तिकार जब सड़क पर जा रहा होता है तो सड़क के किनारे दसियों साल से रिजेक्ट होकर पड़ा हुआ एक पत्थर देखता है। उसको मिस्त्री ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि उसका शेप बेढंगा है। सड़क कूट कर बनाने वाले ने उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि उसका साइज सही नहीं है। मकान बनाने के लिए लोग इसलिए नहीं चाहते थे कि उसका रंग बड़ा विचित्र है। लेकिन वो मूर्तिकार उस बेढंगे पत्थर को देखकर उसको उठाकर अपने घर लाके एक मेज के ऊपर या एक स्टैंड के ऊपर रख के हथौड़ा और छैनी लेकर धीरे 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 उसको काट कर उसको शेप देता है। वो सफेद पत्थर जिसमें एक पोर्शन काला था, जिसके कारण बिल्डिंग बनाने वाले ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो पोर्शन उस मूर्ति में बाल बन जाता है, एक व्यक्ति का बाल बन जाता है।
उसमें जो पोर्शन इस कलर का था जिसको कोई नहीं चाहता था वो उस मूर्ति का चेहरा बन जाता है। धीरे 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 वो उस पत्थर को काट काट कर शेप देता है। एक महीने या दो महीने के बाद कल तक जो पत्थर सड़क के किनारे रिजेक्ट पड़ा हुआ था, जो ना तो देखने में अच्छा था, जिसका रंग एक नहीं था, जिसमें कई रंग थे और बेरंग होने के कारण जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको लेकर वो मूर्तिकार इस तरह से उसको काटता है कि जो काला है वो बाल बन जाता है, जो गोरा है वो चेहरा बन जाता है, और जो अलग अलग रंग का है वो शरीर के अलग अलग अवयव बन जाते हैं। और जब वो उसको तराश लेता है तो एक सुंदर उम्दा मूर्ति बन जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह से शाश्वत प्रभु ने अनंत काल में मुझे और आपको देखा था, और प्रभु ने इस बात को समझा था कि मेरे और आपके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो कलाकार उस पत्थर को लेकर उसको शेप देता है, उस तरह से प्रभु चाहते थे कि हमको लेकर एक नया शेप, एक सुंदर शेप देकर हमको दुनिया के सामने रखे। सिर्फ एक फर्क है उस पत्थर में और मुझ में और आप में, एक फर्क है, वो पत्थर ना तो सोच सकता है ना बोल सकता है। मैं और आप सोच सकते हैं, मैं और आप बोल सकते हैं, और इसलिए मेरी और आपकी स्थिति उन पत्थरों के समान है जिनके सामने शाश्वत प्रभु आके खड़े हो जाते हैं और बोलते, देखो तुम मेरी सृष्टि हो, मैं तुमको एक नया जीवन देके, चाहे तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी क्यों ना हो, उसको लेके यूज करके शेप करके मैं तुमको एक नया व्यक्ति बनाना चाहता हूं। सिर्फ एक कंडीशन, तुमको बोलना पड़ेगा कि प्रभु मुझे चुन लीजिए, मुझे ले लीजिए, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। दोनों स्टोरी बिल्कुल एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं और आप जीवित हैं, पत्थर जीवित नहीं है। प्रभु हमको जीवित पत्थर बनाना चाहते हैं, ऐसा परमेश्वर के वचन में है। इसलिए प्रभु इस संसार में आए थे, और प्रभु आज मुझे और आपको बुलाते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, शाश्वत काल में, अनंत काल में मैंने तुमको देखा था, तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते थे, और यदि तुम स्वयं करते तो जो तुम्हारे मन में आता वो बुरा ही होता। मैं तुमको एक नया जीवन देना चाहता हूं, और नया जीवन देने के बाद 10, 20, 50 या 90 साल तुमको इस पृथ्वी पर जो रखूंगा, इन 90 सालों में जिस तरह से एक कलाकार उस पत्थर को तराश कर उसको एक शेप देता है, मेरे प्यारे बच्चे मैं तुमको एक शेप देने के लिए तैयार हूं। तुम तैयार हो क्या? तुम मेरे पास आने के लिए तैयार हो क्या? यह है प्रभु का प्रश्न, और यह है जो प्रश्न मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं। हम जन्म से पापी हैं, कर्म से भी पापी हैं, लेकिन मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए प्रभु इस संसार में पधारे, और कैसे पधारे? दिव्य तरीके से, जिससे कि उनमें पाप का स्वभाव ना हो। एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, हजारों साल पहले ही प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रभु इस तरह से इस संसार में जन्म लेंगे। इस तरह से जन्म लेकर 35.5 साल उन्होंने मनुष्य के रूप में जीवन बिताया, मनुष्य की हर परेशानी को समझा, भूख और प्यास को समझा। बाइबल में ही लिखा हुआ है प्रभु प्यासे हुए, प्रभु भूखे हुए, और प्यास के बारे में तो प्रभु के बारे में एक से ज्यादा बार लिखा हुआ है जब प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दो। क्यों? मुझे और आपको एक नव जीवन देने के लिए। कंडीशन, प्रभु अपने आप लेके के हमको नया जीवन नहीं देंगे, प्रभु आकर डिक्लेयर करेंगे कि देखो तुम जीवित हो, तुम पत्थर नहीं हो,
इसलिए मैं तुमको बुलाता हूँ, मेरे पास आओ। जिस क्षण हम जाकर प्रभु को ग्रहण करेंगे, उस क्षण प्रभु हमको एक नया जीवन देंगे। एक 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 करके प्रभु हमारे जीवन में जो कमियां हैं, घटियां हैं, उसको यूज करेंगे। हमारे जीवन की कोई भी कमी नहीं है। प्रभु एक मूर्तिकार के रूप में हमको लेकर जब हमारा पुनर्निर्माण करते हैं, तब हमारे जीवन की हर चीज का उपयोग करते हैं, जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा जो गाने गाए जाते हैं, मसीही गाने, वो एक ऐसी बहन ने लिखा था जो 3 साल की उम्र में जिसने अपनी दोनों आँखें खो दी। उसकी नज़रें नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टर, उस जमाने के डॉक्टर नीम हकीम, उसने इसकी आँखों में कोई परेशानी हुई तो आँखों में दवा के नाम पर उसने जो रासायनिक चीज डाली, उससे उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उस बहन ने 7,000 गाने लिखे। उनसे किसी ने पूछा कि हे बहन, जब तुम्हारी नज़र तुमसे छीन ली गई किसी की लापरवाही के कारण, तब यदि तुम 7,000 गाने लिख सकी, तो यदि तुम्हारी नज़र छिन ना जाती तो कितने अधिक गाने तुम लिख सकती थी। तो उसने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, प्रभु ने मेरी सांसारिक आँखें मुझसे ले ली जिससे कि मेरी आत्मिक आँखें खुल जाएं, मैं प्रभु की महिमा को देख सकूं और उस महिमा का वर्णन अपने गानों के साथ कर सकूं। इस तरह की कम से कम 100 कहानियां, एक्चुअल घटनाएं मैं आज खड़े खड़े आपको सुना सकता हूं। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि मेरे और आपके जीवन की कोई भी कमी, कोई भी घटी, कोई भी परेशानी, उसके बारे में जीवन भर सोचकर रोने विलाप करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के हाथ में दे दीजिए, प्रभु उसको लेकर शेप ऐसा करेंगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ओह, ये मेरा जीवन था क्या, ये कल तक मेरा जीवन क्या था, आज मेरा जीवन क्या हो गया। आज इस सभा में जो लोग मेरी वाणी सुन रहे हैं, इसमें कई प्रकार के लोग हैं। आपके जीवन में कई प्रकार की, हो सकता है विपत्तियां हो, कई प्रकार की कमजोरियां हो, घटियां हो, परेशानियां हो, उनमें से किसी भी बात के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक मरे हुए जीवन रहित पत्थर के समान नहीं, एक जीवित पत्थर के समान आपको देखते हैं और आपसे कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारी सृष्टि, तुमको एक नया जीवन देने के लिए किया है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको एक नई सृष्टि बनाऊंगा। उसके लिए प्रभु ने जो अलग अलग स्टेप्स उठाए थे, वो एक बार और मैं आपको याद दिला दूं। नंबर 1, अदन की वाटिका में मनुष्य ने, जो निष्पाप था, उसने अपने निष्पाप स्थिति को खो दिया और वो पापी बन गया, और तब से मनुष्य के चोले में जो भी जन्म लेता है वो पापी है। उस मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि वे एक मुक्तिदाता को मनुष्य के रूप में ही भेजेंगे, जो मनुष्य के पाप की सजा क्रूस पर चुका देंगे। पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन मुक्तिदाता मनुष्य के पाप की सजा सूली पर चुका देंगे। लेकिन एक पापी मनुष्य के लिए दूसरा पापी मनुष्य पाप नहीं चुका सकता है, इसलिए मुक्तिदाता ने जब इस संसार में जन्म लिया तो उनके लिए जरूरी था कि वे एक निष्पाप मनुष्य के रूप में जन्म लें। उसके लिए प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मरियम नामक एक भक्त युवती को चुनकर पवित्र आत्मा की शक्ति से उसको गर्भवती किया, और उसके द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ। 30 साल तक वे अपने माँ बाप के साथ रहे। उसके बाद 3.5 साल 12 शिष्यों के साथ प्रभु ने सब जगह जाकर अपनी शिक्षा दी, जिसके बाद धोखे से उनको पकड़कर सूली पर चढ़ाया गया,
लेकिन प्रभु ने पहले ही बोला था कि मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन 3 दिन और 3 रात के बाद मैं जीवित हो जाऊंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु पुनर्जीवित हो गए। प्रभु ने शिष्यों को दर्शन दिया, 40 दिन तक वे लोगों को दर्शन देते रहे कि देखो मुझे उन लोगों ने सूली दी थी, मेरी मृत्यु हुई थी, मृत्यु के द्वारा मैंने तुम लोगों की मृत्यु की सजा चुका दी, अब मैं जीवित हूँ और मैं जा रहा हूँ, एक दिन मैं वापस आऊँगा तुमको अपने साथ ले जाने के लिए। शर्त यह है मेरे प्रिय बेटे, मेरी प्रिय बेटी, मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उस पर विश्वास करो, मुझे मुक्तिदाता मान लो। जिस दिन तुम मुझे मुक्तिदाता मान लोगे उस दिन मैं तुमको लेकर एक नया जीवन दूंगा। उसके बाद एक एक दिन, हर दिन जिस तरह से एक मूर्तिकार उस पत्थर जिसे हर कोई बेकार समझता था, उस तरह से मुझे और आपको उठाकर मेरे और आपके जीवन की एक एक कमी और घटी को शेप करके मुझे और आपको एक बहुत ही आकर्षक स्वरूप देंगे। ऐसा है क्या? जी हाँ, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि प्रभु की इच्छा है कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन इतना ज़्यादा बदल जाएं कि हम इवन प्रभु यीशु के समान सोचने लगें। ऑफ कोर्स पाप स्वभाव के कारण कोई भी उतना पहुंच नहीं पाता है, लेकिन मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें और उसके बाद बचे हुए 10, 20, 30, 50, 80, 90 साल यदि हम प्रभु को दे देंगे तो प्रभु निश्चित रूप से हमको शेप करेंगे। मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में 5 साल की उम्र में ग्रहण किया था। आपको लगेगा कि 5 साल की उम्र में कोई क्या समझता होगा, मैं औसत बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। 2 साल की उम्र में मैं अच्छी तरह से बोल लेता था, बहुत ही आराम से बोलने लगा। 1 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट किया, 2 साल की उम्र में धारा प्रवाह बोलता था, 5 साल की उम्र में मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। आज मैं 63 साल का हूँ, जिसका मतलब है कि पिछले 58 साल मेरी मुक्ति के बाद 58 साल प्रभु हर दिन मुझे शेप कर रहे हैं। उस बेकार पत्थर को जिसे कोई नहीं चाहता था, उसने प्रभु से कहा 5 साल की उम्र में, प्रभु मुझे नवजीवन दीजिए। प्रभु ने मुझे उठाया, मुझे नवजीवन दिया, एक जीवित पत्थर के रूप में रोज प्रभु मुझे काट पीट के शेप दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से धीरे 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 प्रभु मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बदलते चले जाएंगे। तो जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि मुक्ति दे दी प्रभु ने, इसके बाद ये 58 साल का क्या हुआ? ये 58 साल प्रभु मुझे शेप दे रहे थे। जो आकृति प्रभु मुझ में चाहते हैं वो शेप मुझ में तैयार कर रहे थे। उस समय मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरी और आपकी जिम्मेदारी यूं बैठे रहने की नहीं, हाँ प्रभु आप जो है शेप करते रहे। नो, प्रभु यदि मेरे और आपके जीवन में कार्य प्रभु को यदि करना है तो उसके लिए जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन में समर्पित हों, आत्मिक जीवन में समर्पित हों। ये मुक्ति जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है, इसके बारे में दूसरों को बताएं, उनके सामने मेरे और आपके जीवन के द्वारा एक आदर्श, एक नमूना रखें कि देखिए मैं एक पापी था, प्रभु ने ना केवल मुझे मुक्ति दी, प्रभु ने मुझे एक नया व्यक्ति बनाया, आज मैं एक नया व्यक्ति। आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जब आपके जीवन को देखें तब उनको लगना चाहिए कि हाँ इसके जीवन में कुछ तो विशेष है। यह है सारी दुनिया इस हफ्ते बड़ा दिन मना रही, खासकर उत्तर भारत में बड़ा दिन कहा जाता है। मेरे और आपके लिए हर दिन बड़ा दिन है। क्यों? इसलिए कि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। और मेरे और आपके लिए उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? अनंत प्रभु ने एक कुंवारी के द्वारा निष्पाप जन्म लेकर मनुष्य के रूप में 33.5 साल इस पृथ्वी पर जीवन बिताकर मेरे और आपके लिए बलिदान देके पुनर्जीवित होकर
मुझे और आपको ये आज्ञा दी कि सारे संसार में जाओ और ये शुभ संदेश सबको सुनाओ। उसके साथ प्रभु की सेवा समाप्त हो गई क्या? नहीं, 40 दिन के बाद प्रभु अपने शिष्यों को एक पहाड़िया के ऊपर ले गए और उनसे कहा, देखो मैंने तुमको जो शुभ संदेश सुनाया है ये शुभ संदेश दूसरों को सुनाना। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं एक दिन तुम लोगों को भी ले जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। तो ये इस त्योहार के सीजन में मेरे और आपके लिए संदेश क्या है? संदेश यह है कि ना केवल प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया, इस नए जीवन के बारे में चार लोगों को प्रतिदिन चार लोगों को मतलब कुछ लोगों को प्रतिदिन बताना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अपने जीवन के द्वारा प्रभु को उनके सामने प्रदर्शित करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु ने मदद की तो अगले हफ्ते भी हम इस तरह से इकट्ठे होंगे।